नमस्कार, मेरी नसम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक डिवाइस के बारे में, ठीक है? इसे कहते हैं वॉइस। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वॉइस, तो क्या है ये? वॉइस इज ए होल्डिंग डिवाइस। ये एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी चीज़ को अपने यहाँ होल्ड करने की क्षमता रखता है, ठीक है? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, इसका मेटल के बारे में बात करेंगे और इसका यूजेस के बारे में बात करेंगे और इसका पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो वॉइस एक ऐसा यंत्र है, ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप या फिटिंग वर्कशॉप में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ये ना हुआ तो बहुत दिक्कत की बात होगी। तो आप जॉब कहाँ रख के उसको फाइलिंग करेंगे या शिपिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, काटेंगे, ठीक है? और वॉइस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ये है बेंच वॉइस, मशीन वॉइस है, पाइप वॉइस, लेग वॉइस, हैंड वॉइस, ठीक है, टूल मेकर वॉइस, बहुत सारे वॉइस होते हैं। तो खासकर आपको यही देखने को मिलता है, इसे कहते हैं बेंच वॉइस। और एक वॉइस है मेरे पास, इसे कहते हैं ड्रिल वॉइस, ठीक है? इसको हम ड्रिल मशीन में यूज़ करते हैं, ताकि हम जिस वर्क पीस पर ड्रिलिंग करेंगे उसको यहाँ पर फिक्स कर लें, ताकि अगर हम उस वर्क पीस को हाथ से पकड़ेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, ठीक है? वॉइस लगाया, यहाँ पर क्लैंप लगाया या नट बोल्ट लगा के आप प्रॉपर प्रिसिशन से अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो वॉइस बना है, मतलब वॉइस बनता है ज़्यादातर कास्ट आयरन से, ठीक है? और इसको कहते हैं जॉ प्लेट, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, एक हाथ से दिकदार होता है। ये भाई अभी फिटिंग नहीं हुआ, ओके। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं जॉ प्लेट। ये एक किसी किसी भाई में एक्स्ट्रा आता है, किसी किसी भाई में फिक्स आता है, ठीक है? और जॉ प्लेट में टीथ होता है। अभी ये जाम है, आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, जॉ प्लेट में टीथ होता है और ये स्क्रू के साथ फिट होता है। भाइस तो या भाइस का जो बॉडी है वो तो कास्ट आयरन से बनता है, लेकिन इसका जो जॉ प्लेट है वो हाई कार्बन स्टील से बनता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर जब लगाएंगे या वर्क पीस लगाएंगे तो ये जल्दी से ख़राब ना हो, जल्दी से घिसे ना, ताकि आपको आपका जॉ ख़राब ना हो, ठीक है? तो इसीलिए जॉ प्लेट हाई कार्बन स्टील से बनता है, या इसको हार्डन एंड टेम्पर्ड करके ही लगाया जाता है, ठीक है? और इसे कहते हैं फिक्स जॉ। ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं फिक्स जॉ। और आप ये जो होलो पार्ट देख रहे हैं इसे आप हाउसिंग भी कह सकते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं एडजस्टेबल जॉ या मूवेबल जॉ, क्योंकि इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है? और इसको कहते हैं गाइड, यही भाइस को डायरेक्शन देता है सीधा जाने के लिए, तो इसे कहते हैं गाइड, ठीक है? इसको कहते हैं बेस, क्योंकि यहीं पर यही इसका मतलब बेस है, यहीं पर वॉइस का पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, ठीक है? और इसको कहते हैं स्क्रू स्पिंडल, मतलब ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्क्रू स्पिंडल। अगर इसको आप सिर्फ स्पिंडल बोलेंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि स्पिंडल सिर्फ स्पिंडल नहीं है, ये इस पर स्क्रू है, तो इसीलिए स्क्रू स्पिंडल आप बोलिए। और उसके बाद इसे कहते हैं हैंडल, ठीक है? यहाँ पर हैंडल अभी नहीं लगाया हुआ है, इसे कहते हैं हैंडल। और ये जो आप देख रहे हो ये पोर्शन, तो इसे कहते हैं नॉब, ठीक है? आप यहाँ से इसको खोल के हैंडल निकाल सकते हो। और वॉइस में कौन सा स्क्रू थ्रेड होता है? बहुत टाइप का स्क्रू थ्रेड होता है। वॉइस में आपका ये होता है स्क्वायर थ्रेड, जिसका थ्रेड एंगल है 90 डिग्री। और स्क्वायर थ्रेड इसीलिए किया जाता है, अगर आप किसी और थ्रेड का स्पिंडल यूज़ करोगे तो
वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता। स्क्वायर थ्रेड का स्पिंडल ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि भाइस में बहुत प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और बहुत से पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्पिंडल है, उसके बाद एक वाशर है और उस पर एक कॉटर पिन लगा हुआ है, और इसे कहते हैं बॉक्स नट। यह एक नट है जो बॉक्स की शेप में है, तो इसीलिए इसको बॉक्स नट कहते हैं। यह भाइस का जो स्पिंडल है, स्क्रू स्पिंडल, इसको यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और यह किस मेटल का बना हुआ होता है? इसका जो मेटल है इसको फॉस्फोर ब्रोंज कहते हैं, इसको फॉस्फोर ब्रोंज मेटल से बनाया जाता है। ठीक है, और यह है हमारा बेंच भाइस। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।